ये मोदी की हुकूमत है, आग लगे इस हुकूमत को, ये हुकूमत को आग लगे, ये हमारे वो इधर से आ जाए, हम पुलिस आएंगे, हम पुलिस आएंगे, हम पुलिस वालों को देंगे, आपको मरवाएंगे, यहाँ बच्चे में मरवाएंगे, आपको मैं मरवाएंगे। यार ये काम आए दबन मलकन ठेको मिल क्या था ऐसा ना ख्याल सर ये गरीब को खास कर रहे हैं, ये गरीब को हार कर रहे हैं, ये कानून क्या रही है, ये दुनिया कैसी है, ये क्या है? मोदी साहब बोलते हम गरीब को उठाएंगे, हम गरीब को उठाएंगे, ये मोदी साहब, ये मोदी साहब, ये हमारे बच्चे पहले राशन एक गुजर लाते एक गुश्ती अटके एक गुश्ती हम लिफाफे में लाते एक किलो, एक किलो, ये परवाड़ी साहब, ये दुकान हमने खेती बाड़ी की है, ये खेती बाड़ी हमने की है, अरे किसी कोर्ट पसीना पाया है, ये लड़की है हमारी लड़की है, ये हमारी लड़की है, जैती बेचा उठाया हमने, मेहनत आपने मेहनत किया है, हमने मेहनत किया, हम लड़की का जैती से बेच से गजा आप निरा आप करो काम करो, हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे, ये लड़की है सुबह से शाम तक हमारे से पत्थर तक पत्थर उठाते हैं, पत्थर उठा गैती उठाते हैं, मगर बाद में और बोलते इसमें क्या 4,000-5,000 कान में है, ये मोदी की हुकूमत है, आग लगे इस हुकूमत को, ये हुकूमत को आग लगे, ये हमारे वो इधर से आ जाए, हम पुलिस आएंगे, हम पुलिस आएंगे, हम पुलिस वालों को रिश्वत देंगे, आपको मरवाएंगे, यहाँ बच्चे में मरवाएंगे, आपको मैं मरवाएंगे, ये इनकी मेहरबानी है, हम गरीब है, ये तो जेब खाली है, बोलते हम पैसे, हमने पैसे खाए है, हमने पैसे खाए है, हम वो यहाँ बनाना है, ये नीचे दिखाने का एग्जाम नीचे दिखाओ, ये हमारी काम है, ये मेहनत हमने मेहनत किया, मेहनत हमारे बच्चों ने मेहनत की, ये जो हमारा लड़का है अनपढ़ शख्स है, अनपढ़ शख्स है, क्यों हमारे पास ताकत पैसे नहीं है, हम बच्चों कैसे पढ़ाएंगे, ये मोदी साहब बोलते हम करेंगे गरीब दूर, गरीब करके गरीबी को गरीबी करके दूर। ओल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है, मैं हूँ आपके साथ काशिफ शाह, अभी हम इलाका ठकराई में मौजूद हैं और आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं लोग हमारे खड़े हैं, और हम ऐसी ज़मीन पे हैं जिस ज़मीन की जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फसल भी उग गई है, और आज जो सरकार एक तरफ से LG साहब ये बात कर रहे हैं कि जो ज़मीनें लोगों से वापस ली जा रही है, जो भी गरीब उसमें आएगा उसको छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आज जो पीला पंजा है वो इलाका ठाकराई में भी चल चुका है। अभी हमारे साथ ऐसी फैमिली है, गरीब घराने से है, गरीब तबके से ताल्लुकात रखते हैं, और कम से कम आज 2 महीने से इन लोगों को हरास किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से ज़बरदस्ती इनको ज़मीनें ली जा रही है, यहाँ तक कि जो ये ज़मीन है ये ऐसी जो हमारे साथ लोग देख रहे हैं, कोई ये बड़ी मगरमच्छ की ज़मीन नहीं है, कोई पॉलिटिकल जो लिंक्ड है कोई उनकी ज़मीन नहीं है, ये सिर्फ अगर ज़मीन है 4-4, 5-5 मरले इन फैमिली की है, जो बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप देख भी रहे हैं इनके बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे आप इनके साथ देख रहे हैं, उनके साथ है यहाँ पे आ रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार से इंसाफ की गवार लगा रहे हैं कि जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन बची है इसको बचाया जाए, इसको ना लिया जाए। फिलहाल आप देख रहे हैं और हम इनसे ही ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का मसला यहाँ पे बना हुआ है, और बाद में हम जो भी जो पीला पंजा यहाँ पे चल रहा है उसकी भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, फिलहाल हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब मैं गुजारिश है, अगर उधर निकला 1 नंबर, इधर निकलना चाहिए 2 नंबर, फिर निकलेगा 3 नंबर, 2 नंबर कहीं नहीं है तो 3 नंबर पर पहुंच गया, इधर से जाते हैं उधर, उधर से इधर, हमारे कागज नहीं दिखाते हैं। जनाब ये ज़बरदस्ती हमें कर रहे हैं यहाँ, ये हमारी जो खेती बाड़ी है यहाँ, हमने मेहनत की है, हमने यहाँ इसको गुदम लगाया है, तो इसके बाद पटवारी साहब आया, जे साहब आया, तहसीलदार साहब आया, यहाँ कोई पता नहीं हमें चला, जे चोरी चोरी आए ना, यहाँ मैनेजमेंट लिया, यहाँ पहले एक जगह फिर दूसरी जगह,
अब किसी जगह पहुंचे तो यहाँ भी ये बोलता खालसा है, मगर हमें कोई कागज सागज कोई नहीं दिखाया जनाब, वजह है जबरदस्ती। जनाब जो आपने कागज भी दिखाए तो उनका दिखाया हमने, यहाँ से वहाँ ने उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं दी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो लोगों का क्या कहना है, जो ये गरीब लोग हैं इनका क्या कहना है, इनका यही कहना कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जो भी थोड़ी बहुत हमारे पास ज़मीन है उसको न छेड़ा जाए, आगे पीछे जहाँ कहीं भी आपको ज़मीन है वो देखी देखे। जो इलाका ठाकरे बहुत बड़ा इलाका ठाकराई है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इसी जगह पर इन्हीं को टारगेट बनाया गया है, कहीं एक जगह निशान दही दी गई, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, लास्ट पे जिनकी कोई पॉलिटिकल बैक नहीं है, जिनका कोई भी बैकग्राउंड पीछे से रहे हैं उनको छेड़ा जा रहा है। और इनकी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से, एलजी इंतजामिया से, कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, ताकि ये भी जो अपना जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इनके जो बाल बच्चे, इनके लिए भी थोड़ी बहुत जो ज़मीन इन्होंने बचा के रखी है और इनके साथ उस ज़मीन के लिए इनको इनके साथ इंसाफ किया जाए। आप देखते रहे डबल डिवाइस, कैमरा मैन समीर अहमद के साथ मैं हूँ काशिफ शाह, डबल डिवाइस ठाकराई किश्तवाड़।